जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, तो बच्चों रिवीजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवीजन टेक्निक कैसे रहनी चाहिए आप लोग की, मैं हर एक पॉइंट आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। हर एक पॉइंट आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है, और अगर सच बोलूं फॉलो करते हैं हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, एक रिवीजन जो टेक्निक का है, तो बच्चों डेफिनेटली आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है सर ये पॉइंट्स, तो एक एक पॉइंट में आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूं। बच्चों बड़े गौर से आप लोगों ने एक एक पॉइंट देखना है। क्या बोला है, डोंट फोकस ऑन 100% सिलेबस। बच्चों जितना आपने कर रखा है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50% कर रखा होगा, 60%, 70%, 80%, उसी को अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, इतना तो आपने करा ही होगा कि आप पास कर सकते हो। ठीक है, किसी ने मान लो 60% किया, किसी ने 70, तो बच्चों उसी को ही बार बार गो थ्रू करिए। ठीक है, आपके चार पेपर है, पेपर वन, पेपर नंबर टू, पेपर नंबर थ्री एंड पेपर नंबर फोर। अच्छे से जितना आपने कवर कर रखा है उसी को ही आपने गो थ्रू करना है बार बार। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिवाइज करना है अपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर और आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। उससे क्या आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन एक घंटे के अंदर हर एक पेपर का निकाल पा रहे हैं कि नहीं है, कितनी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कितना आपको रिवाइज और देना पड़ेगा। रिवीजन ऐसी होनी चाहिए ना कि भैया क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में विद इन फ्रैक्शन आ जाए कि हाँ अरे ये तो ये कंसेप्ट था, और आसानी से कर पाओ। क्योंकि आपके पास क्या है, सिर्फ एक घंटे का टाइम है, और एक पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या, डोंट इग्नोर एमसीक्यू। ठीक है, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारे आपके मॉड्यूल जो एक्सरसाइज है ना, लास्ट में देखोगे एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक से ये करना है। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन छोड़ दो, इलस्ट्रेशन बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, उसको छोड़ दो, बट एमसीक्यू मस्ट, ट्रू फॉल्स मस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स मस्ट, मैच द फॉलोइंग मस्ट, ये करना ही करना है आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीज करनी है। गिव 10 to 12 hours फॉर स्टडी। कई सारे बच्चे हैं अभी भी ना 3 घंटे 4 घंटे का, अरे निकाल देंगे बहुत इजी पेपर है, एमसीक्यू पेपर है। नहीं, गलत है। ठीक है, हर एक पेपर को कम से कम 2 से 2.5 घंटा रिवाइज के लिए दो, क्योंकि एक ही दिन में आपको चारों पेपर देने हैं, ध्यान रखना। तो रिवीजन भी ऐसा होना चाहिए, कैसा, मैंने बताया कि विद इन फ्रैक्शन आपको पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने विशेष करके ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, मस्ट रिवाइज की पॉइंट बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले जो आप ये टाइम दे रहे हैं 10 से 12 घंटा, बच्चों मेन चीज ध्यान रखना की पॉइंट्स लिख लिख के प्रैक्टिस करना। जैसे मैथ्स की बात करूं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपने अच्छे से याद करना है। अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूं, लॉ के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनके जो प्रोविजंस है वो आपने करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो डायग्राम है उसको अच्छे से देख के जाना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से फॉलो करनी है। तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप ये पॉइंट सच में फॉलो करते हैं बच्चों, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप पहले अटेम्प्ट में ही पास कर जाएंगे। करेंगे ना फॉलो? यस सर। तो इसे करो और जंग जीत के आओ, तो डेफिनेटली बच्चों इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोग पास कर जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।